आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं स्वाति रायना। उरी हमले के बाद आतंकवाद को लेकर चीन के रवैये के खिलाफ भारत में भारी गुस्सा है और इस गुस्से को सोशल मीडिया तेजी से फैला भी रहा है। और खास बात यह है कि इसका असर अब बाजारों में भी दिखने लगा है। लोग भी चीन में बने सामान की जगह अब मेड इन इंडिया को प्रेफर करने लगे हैं। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम अब कितनी कामयाब होगी। चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जा रही मुहिम का असर दिख रहा है। लोग अब मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार ने। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारे सामान पर आज तक अगर आप बात करें तो चाइनीज सामान का बोलबाला था। लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते थे क्योंकि सस्ता होता था और क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, तो इस वजह से लोग चाइनीज सामान खरीदते थे और बाज़ार में भी उसी की रौनक दिखाई पड़ती थी। जितनी भी दुकानें आप देखते उन सारी दुकानों पर वैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट्स आपको दिखाई पड़ते यहाँ पर। लेकिन एक खास बात आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, ये ओम लिखा हुआ या घर में श्री लिखा हुआ, इस तरह के त्रिशूल, ये प्रोडक्ट्स या फिर दिए, इन सब में पहले चाइनीज होते थे। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि सदर बाजार में अब इस बार ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मेड इन इंडिया हैं। मेड इन इंडिया ये दिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी मोमबत्तियाँ पहले जो आप घर में दिए ऐसे जलाते थे वो पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स इंडियन हैं। लोगों की ये मानसिकता है कि अगर ऐसे आगे बढ़े तो धीरे धीरे लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को जब रोज़गार मिलेगा तो अपनी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होएगी और इसी उद्देश्य से लोग भी जो खरीदने आ रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट्स खरीदें। यहाँ पे मैं दिए लेने आया हूँ दिवाली के लिए। हाँ, और मेड इन इंडिया है, काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ हमें मिल रही है, तो हम मेड इन इंडिया प्रीफर करेंगे सबसे पहले। मेड इन इंडिया प्रेफर करेंगे। भाई साहब, आप शॉपकीपर हो, काफ़ी भीड़ होती है, तो ऐसे में क्या खरीदते हैं लोग, क्या मांग रहे हैं, क्या मेड इन इंडिया का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? मेड इन इंडियन के हैंडीक्राफ्ट दिए, कैंडल्स, इंडियन, ओनली इंडियन, सॉरी। पहले लेकिन लोग चाइनीज सामान यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो क्या बदलाव आया है ये? हाँ, चेंजिंग आ गई, सब इंडियन मांगते हैं, सब कस्टमर की इंडियन डिमांड है। तो क्या प्रॉफिट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं, प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं है, प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक सोच में फ़र्क है। लोगों ने ये सोचा अब कि अब उन्हें मेड इन इंडिया का सामान इस्तेमाल करना है, इस वजह से पूजा का ये जो सामान पहले कभी चाइनीज का बोलबाला होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कैसे सामान खरीदोगी, चाइनीज या फिर इंडियन सामान भी ढूंढ रही? इंडियन ही लूंगी, चाइनीज नहीं लेंगे इस बार। चाइनीज क्यों नहीं? क्योंकि भारत पाकिस्तान का आपको पता ही है क्या चल रहा है, तो इस वजह से इंडियन ही लूंगी। नहीं, अपनी इंडियन चीज बनती ज्यादा बेटर है, बाहर के देशों की चीज हम क्यों बेचें, अपनी चीज अच्छी है। अपनी चीज़ अच्छी लगती है, अपने भगवान हैं, अपनी देवी देवता हैं, इनकी कद्र कैसी करनी है ये हमारे को पता है। इस वजह से सब कुछ कुल मिलाकर भावनाओं के साथ साथ अगर लोगों की सोच भी बदल रही है और सोच ये है कि ये दिवाली मेड इन इंडिया हो। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये दिवाली बिना चाइना वाली सोशल मीडिया पर मुहिम का असर हो रहा है और यही जानने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से अनुराग शाह, अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं एक्चुअली जाऊंगी मुंबई अनुराग शाह के पास। अनुराग, दिल्ली के अभी हमने एक रिपोर्ट देखी जहां पर जितने भी खरीदार हैं वो कह रहे हैं कि हम मेड इन चाइना के जो पटाखे या प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं खरीदेंगे, वो हम नहीं खरीदना चाहते, और ये सेंटिमेंट्स इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। मुंबई की अगर तस्वीर आप हमें दिखाना चाहें तो वहाँ पर सेंटिमेंट्स कैसे हैं, क्या वहाँ पर भी टोटली लोग कह रहे हैं कि हम मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन इंडिया सामान ही खरीदेंगे त्यौहार के लिए? जी बिल्कुल, मुंबई का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है कि इस फेस्टिव सीजन के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो बायकॉट करना है, हालांकि लोगों को पूरी तरह से नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्यों बायकॉट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस फेस्टिव सीजन के अंदर उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है। वजह कोई भी हो, मेरे साथ मुंबई में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही जानता हूँ, सर ये जो फेस्टिव सीज़न है इसके अंदर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह पहली है कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। पहली बात तो चाइना के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एक्चुअली ख़राब प्रोडक्ट है,
चाइना के टिकाऊ प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से हमें उसमें खराबी निकलती है और वो टिकाऊ नहीं रहते नहीं है। दूसरी बात ऐसा कि अपना इंडिया का जो भी रेवेन्यू है उनके वजह से बड़े बड़े फैक्ट्रीज आप देखिए वाराणसी के आज साड़ी उद्योग भी अपना जो बर्बाद हो रहा है उसकी वजह भी चाइना है। और अपने जो उद्योग इंडियन उद्योगपति है उनके अच्छे प्रोडक्ट है मगर चाइना के वजह से उनके माल के दाम के वजह से अपने घरेलू इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिले चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से जो घरेलू इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं नुकसान बात है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा अनुराग, हम सबसे उनकी राय जरूर जानेंगे लेकिन यहाँ पर कारोबारियों की भी राय जानना जरूरी है क्योंकि वहां पर एक दर्शक ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो घरेलू कारोबारी है जो घरेलू सामान है उसको बढ़ावा देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही परिवार के साथ मेरे सहयोगी केतन जोशी अहमदाबाद में मौजूद है। केतन जोशी, जो ग्राहक है उनका मूड तो साफ हो गया लेकिन जो कारोबारी है क्या उनको नुकसान हो रहा है इससे कि इस बार चाइना के प्रोडक्ट्स त्योहार पे नहीं बिकेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ हम कुछ परिवार जुड़े हैं, आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं जो कारोबार के साथ भी जुड़े हुए, तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे ये मुद्दा उठाएंगे। हमें ये बताइए कि आखिरकार लोगों का सेंटिमेंट तो चाइना के खिलाफ है लेकिन जब हम बिजनेस की बात आती है तो कई सारे हजारों ऐसे व्यापारी हैं जो चाइना के माल यहाँ पर लाकर बेचते हैं तो उनको क्या कोई नुकसान नहीं होगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ, नुकसान तो ज़रूर होगा बट उससे ज़्यादा नुकसान अपने देश को हो रहा है और उस नुकसान को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो बिजनेस को नुकसान होगा वो टेम्पररी होगा बट जो सबसे बड़ा नुकसान चाइना हमको कर रहा है वो अपने देश को कर रहा है, कश्मीर को कर रहा है, जो हमें रोकना है। आप बताइए, अगर चाइना का आपको विरोध है तो इसका क्या वजह है? क्या अब तक आप चाइना के आइटम यूज़ कर रहे थे और अब क्या होगा? चाइना इज़ अ कंट्री वेयर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड देयर, तो कंप्लीट बैन करना डिफिकल्ट है पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एज बीइंग ट्रू इंडियन नेशनल्स वी शुड स्टॉप परचेजिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स आफ्टर लुकिंग एट द सपोर्ट दैट चाइना इज प्रोवाइडिंग पाकिस्तान विद आफ्टर द उरी अटैक्स एंड कंसिडरिंग द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स दैट चाइनीज प्रोडक्ट्स आर coming into India and substituting our market and our goods and affecting our industries. जी. We should all take a stand as being true good Indian citizens and not purchase any Chinese products in any festival. And स्वाति, एक छोटा सा 10 सेकंड का कमेंट ले लेता हूँ। आप कारोबार से जुड़े हुए हैं, दूसरे कारोबारों के एंगल से आप देखिए, अगर आप चाइना के साथ जुड़े होते हैं बिजनेस से और अचानक इस तरह की स्थिति आए कि चाइना को बैन कर दो ऐसी आवाज़ उठे तो एक कारोबारी के लिहाज से आप इसको किस तरह से देखते हैं? सी, कारोबार के लिहाज से मतलब वो बराबर है, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा पर लोकल इंडस्ट्रीज से इससे बहुत फ़ायदा होगा और लोकल, क्योंकि सब प्रोडक्शन लोकल हो जाएगा। वी शुड ओनली परचेज व्हाट इज़ मेड इन इंडिया। मेड इन चाइना आई थिंक वी शुड बैन। दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में लोगों जो पैट्रियाटिक लोग होते हैं वो अपनी तो काफ़ी एक दो राय बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है कि जो भी नुकसान होगा वो टेम्पररी होगा लेकिन इंडिया फर्स्ट, जो यहाँ के लोगों की एक राय निकल आ रही है। खुद कारोबारी भी कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है थोड़ा नुकसान होगा लेकिन इसको बेयर किया जा सकता है लेकिन भारत को इससे लंबे समय के बाद काफी अच्छा फायदा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कारोबारियों का भी जो पॉइंट है वो निकल कर सामने आ रहा है। दिल्ली का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा भी हैं। दिनेश, मुंबई में हमने टेक जाना, लोगों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया सामान खरीदना। कारोबारी अहमदाबाद में कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन कारोबारियों को इससे फायदा होगा। दिल्ली का मूड क्या है? जब बाजार से पूरी तरह मेड इन चाइना का सामान हट जाएगा त्योहारों में, क्या रौनक वैसे ही रहेगी जैसे पहले होती थी? और दूसरा पॉइंट ये भी, क्या लोग वाकई चाहते हैं कि वो मेड इन इंडिया सामान ही पूरी तरह आगे जाकर भी खरीदें? जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। इस कैंपेन का हमने नतीजा हमें देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। हमारी यहाँ के काफ़ी सारे ट्रेडर्स से बात हुई है, उनका कहना है कि 20-30% की डिमांड में कमी आई है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए और इसीलिए मेरे साथ में कुछ ट्रेडर्स भी जुड़े हैं। उन्हीं से जानते हैं आखिर सर कैसा इस बार माहौल है, दिवाली का सीज़न आ चुका है, कितनी डिमांड में कमी देखी आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में? अभी तो दिवाली का कोई ऐसा सदर बाज़ार में इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जैसे कि पहले पिछले सालों में इस टाइम पे अच्छा रौनक और अच्छी सेल हो जाती थी, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, ये जो चाइनीज़ गुड्स के बारे में बार बार सोशल मीडिया पे भी आ रहा है और जैसा कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम चाइना को इग्नोर तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उसका अल्टरनेटिव कहाँ है? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट्स इनकी तरफ ध्यान नहीं देती कि चाइना का माल इतना दूर से आने के बाद भी हमें सस्ता पड़ता है
और हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट हमें महंगे पड़ते हैं, इसके बारे में वो सोचने को तैयार नहीं है। सर, अगर इस बार चाइनीज प्रोडक्ट्स को अगर बायकॉट कर दिया जाए तो आप लोगों के ऊपर कितना नुकसान आएगा और क्या ऑप्शन होगी आपके पास? देखो, मैंने पहले भी कहा था देश पहले है, लेकिन मैंने बोला आपको कि माल आ चुके थे इस जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उससे पहले लोगों के माल व्यापारियों के आ चुके हैं और व्यापारियों को दाम में लग चुके हैं, पैसा जा चुका है और इसमें 10-20% का फर्क पड़ा, तो वो व्यापारी को टोटल नुकसान है। वैसे ही बड़ा मंदे का दौर है और इसके अंदर ये सोशल मीडिया वाली बात कहीं लागू हो गई और ऐसा लग रहा है मुझे 10-20% का फर्क जरूर पड़ेगा, उसमें व्यापारी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। सर, एज अ ट्रेडर और एज अ इंडियन आप कैसे देखते हैं इसको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रेडर के हिसाब से ये है कि जो अब जो सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ है, अगर ये 2 महीने पहले वायरल हो जाता तो माल आता ही ना। अब जो माल वहाँ से चल पड़ा, लोगों के गोडाउन में लग गया, लोगों ने पेमेंट दे दी, अब इसके बाद ये वायरल हुआ है तो उसमें तो ट्रेडर तो पिस गया, बिल्कुल दब गया नीचे। इसीलिए ट्रेडर जो है परेशान है, मार्केट में काम नहीं। स्वाति, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ट्रेडर्स का कहना है कि हम इसको सपोर्ट भी कर सकते थे लेकिन ये समय अब ठीक नहीं है क्योंकि इनकी इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की चीज़ों मंगवाई हैं चाइना से, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है अगर इस दिवाली और इस पर अगर बायकॉट किया जाए। जी स्वाति, वाकई ट्रेडर्स का यही कहना है कि नुकसान उन्हें ज़रूर होगा, एक कह सकते हैं मिलीजुली राय ज़रूर है क्योंकि जब नुकसान होता है तो ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है, अगर पहले मुहिम होती तो शायद नहीं होता, लेकिन देशभक्ति की भावना सब में अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर कोई मेड इन इंडिया ही खरीदना चाहता है।